ठीक है ना, बड़ी क्षति हुई है देश को। सीएम साहब, पूर्व विदेश मंत्री का निधन हुआ है, बहुत शोक भी है, और इस पर आप क्या कहें? देखिए सुषमा जी हमारी बहुत ही वरिष्ठ नेता थी और ये कहें कि वो अपने छात्र जीवन से ही विचारधारा से जुड़ी थी और लंबे समय तक उन्होंने देश के लाखों कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। वो एक प्रखर वक्ता थी और चिंतक थी। उनकी जो भाषण शैली थी उससे हर कोई प्रभावित होता था और इसलिए तमाम पक्ष विपक्ष उनका सम्मान करता था। वो विदेश मंत्री के नाते दिल्ली प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने देश की सेवा की और कई बार उत्तराखंड के हमारे जो नौजवान हैं जो विदेशों में किन्हीं कारणों से फंस जाते थे, नौकरियों में थे, उनको फंसा दिया जाता था। तो सुषमा जी को एक संदेश हम यहाँ से कर देते थे और उनकी वापसी की कार्रवाई प्रारंभ हो जाती थी। उन्होंने देश में हिंदी भाषा के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। यूएनओ में जाकर उन्होंने हिंदी में भाषण दिया। जब वो बिल्कुल 20 साल की थी तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अधिवक्ता के नाते प्रैक्टिस प्रारंभ की थी। 25 साल में वो विधायक बन गई, मंत्री बन गई हरियाणा से। तो प्रारंभ से ही बड़ी प्रभावशाली थी, उनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व था। और जिस 370 को हटाने के लिए देश की आज़ादी के बाद ही जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ और एक ख्वाहिश होती थी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो विचारधारा से जुड़े हुए जिन्होंने इस पार्टी को आगे बढ़ाया कि धारा 370 ये समाप्त होना चाहिए, वो धारा 370 समाप्त हुई और उन्होंने अंतिम ट्वीट जो किया प्रधानमंत्री जी को कि मेरे आज जीवन की इच्छा थी कि धारा 370 समाप्त हो, वो आपने समाप्त किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और उसके कुछ ही घंटे बाद, दो घंटे बाद उन्हें हृदयघात हुआ और उन्होंने हम सबको छोड़कर वो चली गई। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत कष्ट का विषय है। मेरे व्यक्तिगत रूप से भी उनके साथ मैं अनेक चुनाव सभाओं में, कार्यकर्ताओं की मीटिंगों में मुझे उनके साथ जाने का मौका मिला, उनका सानिध्य मौका मिला। व्यक्तिगत रूप से भी मैं ये मानता हूँ कि हम दीदी दीदी बोलते थे, हमारे लिए एक बड़ी क्षति है, ये राष्ट्र की क्षति है। क्योंकि एक प्रतिभाशाली नेता जब चला जाता है तो उसकी क्षति राष्ट्र को होती है। अब वो हमारे बीच में नहीं रही, उनको हमारी श्रद्धांजलि है और हमने आज राजकीय शोक की भी यहाँ पर घोषणा की। सर, नवनिर्वाचित जब उत्तराखंड राज्य बना ही था तो उन्होंने जी राज्य बनने के बाद वो हमारी पहली राज्यसभा सांसद थी सुषमा स्वराज जी, और अटल जी के साथ वो स्वास्थ्य मंत्री थी और तब एम्स की उन्होंने नींव रखी थी, एम्स ऋषिकेश की। 6 एम्स उस समय देश में बने थे, उनमें से एक एम्स उत्तराखंड में बना था और उनकी यादें उस रूप में भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और आज जिस तरह से उन्होंने उसकी नींव रखी थी, उन्होंने कितना उस पर अपने आपको केंद्रित किया, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि आज जो 6 एम्स उस समय बने थे उनमें अगर नंबर 1 का दर्जा किसी को दिया जाता है तो एम्स ऋषिकेश को दिया जाता है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो उनके भाव थे उसके पीछे, वो उसका परिणाम है कि आज एम्स बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। आज का है राजकीय शोक। आज सर कोई ऐसा पल जब व्यक्तिगत तौर पे आज आप याद कर रहे हैं उनकी, कोई ऐसी बात या कुछ? अब कई बातें हैं
मुझे याद है एक बार उनकी हमने चार सभाएं रखी थी, एक क्योंकि व्यवस्था मेरे पास थी तो हम पहली सभा उनकी बिजनौर में हुई, फिर कोटद्वार में हुई, फिर ऋषिकेश में हुई, और फिर शाम काल उनकी सभा देहरादून में हुई। आप ये कल्पना कर सकते हैं कि कितनी मेहनती थी वो, कितनी परिश्रमी थी कि बाई रोड चार सभाएं करना। ये मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये राज्य बनने से पहले की बात बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव थे और उस समय मैंने उनको कहा भी, दीदी आप थक रहे हो नहीं भैया, कार्यकर्ता हमारा खुश होता है, कार्यकर्ता हमारा प्रसन्न रहता है, तो करना चाहिए। रात को फिर उसी रात देहरादून से उनको उस समय जो मसूरी एक्सप्रेस है ये अकेली ट्रेन थी उस समय, और फिर इस ट्रेन से वापस गई अपने एक दोस्त के यहाँ, घर पर भी गई हूँ देहरादून में, वहाँ पर खाना खाया और तमाम तरह की बातें हुई। अब कुछ बातें बड़ी वैसी होती हैं, लेकिन उस समय जो स्थिति थी पार्टी में कार्यकर्ताओं की भी कमी थी, संसाधनों की भी कमी थी, तो कुछ गिने चुने परिवार ऐसे थे 94-5 में 3 में कि जिनके पास गाड़ियां हुआ करती थी देहरादून में और जिनकी गाड़ियां उपलब्ध होती थी, तो मांग कर ही काम चलाते थे। तो शाम को जब जाने लगी तो मैं उस समय एक नई नई गाड़ी आई थी, अच्छी गाड़ी थी, तो मैं एक नए व्यक्ति से उस गाड़ी को लेकर आया था, तो कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगा कि ये नया कहाँ से आ गया, ये गाड़ी कहाँ से आ गई। तो बाद में जब मैं ट्रेन में छोड़ने गया तो उन्होंने मुझे मेरी पीठ थपथपाई कि चल तूने एक नया जोड़ा है, और कुछ लोग बोलते हैं कोई बात नहीं इसकी परवाह मत करो, नए नए लोग जुड़ेंगे तो खुश होना चाहिए। एक एक कार्यकर्ता को कैसे जोड़ा जाता है और उस पर कैसे अपने साथी कार्यकर्ता को उसकी पीठ थपथपाई जाती है, उसका हौसला बढ़ाया जाता है, ऐसे अनेक बार उनके साथ के अनुभव हैं जो हमारे अविस्मरणीय हैं। Thank you.